और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है केरल के वायनाड से, जहां भारी बारिश के बाद बड़ी लैंडस्लाइड हुई है और इसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से अभी भी 400 से ज्यादा लोग फंसे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम्स, उनके 250 कर्मचारी की तैनाती यहां पर की गई है। वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में तैनात किया गया, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाए गए हैं। MI-17 और ALH सुलूर से आएंगे। ये लैंडस्लाइड वायनाड के चुरलमाला इलाके में हुई है और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। 19 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना को भी तैनात करना पड़ा है और तस्वीरें देखिए किस कदर चारों तरफ सैलाब नजर आ रहा है और मलबे ने भारी तबाही मचाई है। तो भारी बरसात आई, उसके बाद से ये लैंडस्लाइड, बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। 19 लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है और इस बीच 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें जो फायर ब्रिगेड की टीम से 250 कर्मचारियों की राहत बचाव दल के तौर पर यहां पर तैनाती की गई है। इस बीच जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में तैनात की गई है। MI-17 ALH सलूट जो है वो आएंगे और ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें मदद पहुंचाने वाली 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। उधर राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर केरल के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है। राहुल गांधी जो कि अब तक केरल के सांसद थे, केरल के वायनाड से सांसद थे, उन्होंने यहां लैंडस्लाइड और उसमें लोगों के फंसे होने को लेकर के केरल के सीएम से बातचीत की। ആളുകൾ തോർത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, കുത്തി ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളപ്പാച്ചിലാണ്, ദായ NDRF. ഇവിടെ 2015 നടന്ന പുത്തുമല ദുരന്തത്തിനേക്കാളും വളരെ ഭീകരത വല്ലാത്ത അവസ്ഥ അടുത്ത പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മളെ ഹൈസ്കൂളിലെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലുള്ള റോഡാണ്, റോഡിലൂടെയാണ് ആ വെള്ളം വരുന്നത് കേട്ടോ. അമ്പലത്തിൻ്റെ തറക്കല്ലാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ ആ കല്ല് മാത്രം നിൽക്കണത്. അത് കണ്ടീ? അത് ശ്രദ്ധിച്ചി പൂമ്പാരം പോലെ की वजह से सैलाब की स्थिति बनी हुई है। और हमारे सहयोगी प्रक्षोभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर को लेकर के। प्रक्षोभ, 19 लोगों की मौत हुई है, 400 लोग फंसे हुए हैं, काफी विकट हालात है, काफी मुश्किल हालात हैं, और क्या जानकारी मिल रही है आपके पास रेस्क्यू को लेकर? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू हो गया है। NDRF और SDRF मतलब स्टेट का डिजास्टर रिलीफ का नौजवान और NDRF सेंटर से भेजा गया, वो रेस्क्यू टीम भी वहां थोड़ी देर में पहुंच रही है। वहां पे लैंडस्लाइड हुए तो इसलिए JCB और अदर ऑपरेशंस और स्टैंड बाय के लिए कुछ फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस भी वहां असाइन किया गया है। अभी थोड़ी देर में JCB का ऑपरेशन और NDRF के सहयोग के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होने वाला है। तो केरला का CM पिनराई विजयन और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट किया कि पूरा हमारा साथ है ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो वहां का आसपास का वेस्टर्न गार्ड्स जो है वहां पे अभी मानसून चालू है तो इसलिए वो लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ा खतरा रहा है और आसपास का और भी लैंडस्लाइड होने का कुछ चांसेस है, तो इसलिए वो वहां पर भी कुछ प्रिकॉशन मेजर भी ले रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी प्रभावित इलाके हैं उनको लेकर सहायता के लिए बचाव अभियान चल रहे हैं, तमाम रेस्क्यू टीम्स वहां पर डिप्लॉयड की गई हैं। डेथ टोल कहां तक पहुंचा जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं वो जानना चाहेंगे, साथ ही साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी टीम्स वायुसेना की लगी, और साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं तस्वीरों पर नजर, लगातार भारी बरसात, उसके बाद लैंडस्लाइड, और चूंकि चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी का सैलाब है, कीचड़ ही कीचड़ है, मलबा बहुत ज्यादा है, लिहाजा कुछ लोग इसमें फंसे हो सकते हैं और इसी के मद्देनजर इनको रेस्क्यू करने के लिए बड़ी टीम्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इस बीच केरल के CM से PM मोदी ने भी बातचीत की है, केरल को सेंटर पूरी मदद करेगा ये भी भरोसा दिया गया PM मोदी द्वारा। तो इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने ग्राउंड से है, बड़ा लैंडस्लाइड, 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, डेथ टोल अब तक 19 की मौत का सामने आया है, मृतकों की संख्या में चूंकि मंजर बहुत भयावह है, लैंडस्लाइड बहुत बड़ा है, लिहाजा डेथ टोल में इजाफा हो सकता है। और देर रात ये चुरलमाला इलाका है वायनाड का जहां पर ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद 19 की मौत हो चुकी है और 400 के आसपास संख्या लोगों की जो कि फंसे हुए हैं।
Z News.